बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 6 है। मौजूद खवातीनों हजरात, आज वो माँ जिसकी असली ख्वाहिश बच्चे को सीने से चिमटा कर दूध पिलाना था, अब बच्चे की गिजा का एहतमाम दूसरी तरह करती है। और 70 माओ से ज्यादा चाहने वाला अल्लाह माँ की ममता को ठंडा रखने के लिए जमीन की कोप को माँ बना देता है, और जमीन हमारी माँ बनकर हमें वो तमाम वसाइल मुहैया करती है जिसकी हमें जरूरत है। ये सब क्यों है? कुदरत हमारे खिदमत में इस फयाजी और दरिया दिली से क्यों मसरूफ मुनहमक है? कुदरत चाहती है कि हम कुदरत की निशानियों पर गौर करके नेकोकारों की जिंदगी बसर करें, इसलिए कि नेकोकारी कुदरत की हसीन तरीन सनत है। खुदा चाहता है कि उसकी सनत में बदनुमाई ना हो। सूरह यूनुस में इरशाद है, हम नेकोकारों को उनके आमाल का पूरा पूरा बदला देंगे, बल्कि कुछ ज्यादा ही अता करेंगे। उनके चेहरों को जिल्लत और मिस्कनत की स्याही से महफूज रखेंगे और जन्नत में उन्हें दायमी सुकून हासिल होगा, और बदकारों को उनके आमाल के मुताबिक सजा दी जाएगी। उनके चेहरे जिल्लत और रुसवाई से स्याह पड़ जाएंगे और उनका मुस्तकिल ठिकाना दोज़ख होगा। नेकोकारी ये है कि बंदा अपने खालिक को पहचान ले, और महरूमुल किस्मत वो लोग हैं जो अपने खालिक का इरफान हासिल नहीं करते। खालिक का इरफान हासिल करने के लिए खुद अपनी जात का इरफान जरूरी है, और अपनी जात का इरफान ये है कि हम अपने अंदर मौजूद अल्लाह के नूर का मुशाहिदा करें। मुर्दा कौम, अगर तो उन अहकाम पर जो आज तुझे मैं दे रहा हूँ अमल करेगा, तो तेरा खुदावंद तुझे जमीन की कौमों में सरफराज करेगा। सारी बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी, तू शहर में भी मुबारक होगा और खेत में भी। तू घर में आते वक्त और बाहर जाते वक्त मुबारक होगा। तेरे हमला आवर तेरे सामने मारे जाएंगे, अगर वो एक राह से हमला करेंगे तो 7 राहों से भागेंगे। खुदावंद तेरी मखलूक जमीन के फलों में फरावानी देगा, वो अपना खास खजाना तेरे आगे खोलेगा, आसमान तेरी जमीन पर बरवक मीना बरसाएगा। तू औरों को कर्ज देगा पर तू कर्ज ना लेगा, लेकिन अगर तूने खुदावंद की आवाज को ना सुना तो फिर तो शहर में भी लानती होगा और खेत में भी। तू अंदर आने और बाहर निकलते वक्त लानती होगा। खुदावंद तेरे कामों पर लानत हैरत और मलामत नाजिल करेगा, यहाँ तक के तू हलाक हो जाएगा। वबा तुझसे लिपटती रहेगी, खुदावन तुझको सोखंडी तप, जोश खून, सख्त जलन, खुश्क साली और गर्म लू से मारेगा। तेरा आसमान पीतल का और तेरी जमीन लोहे की हो जाएगी। खुदावन मीना के बदले तेरी जमीन पर खाक धूल बरसाएगा। तू अपने दुश्मन पर एक राह से हमला करेगा और 7 राहों से भागेगा। खुदावंद तुझको दीवानगी, नाबीनाई और घबराहट से मारेगा। जिस तरह अंधा नाबीनाई के अंधेरे में टटोलता है, तो तू दोपहर को टटोलता फिरेगा। तेरे बेटे और तेरी बेटियां दूसरी कौम को दे दी जाएंगी ताकि तू देखता रह जाए, और उनके इंतजार में तेरी आंखें थक जाएंगी। तेरे बाजुओं में जोर नहीं रहेगा, तेरी मेहनतों का फल एक अजनबी कौम खाएगी। किताब मूसा। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल सामने नहीं आई कि जालिम को देर सवेर इसके जुर्म का बदला ना मिला हो। इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि बदमाश और बदकार आदमी को जिंदगी में सुकून कल्ब की दौलत हासिल नहीं होती। मकाफात अमल का ये कानून है, कोई बंदा उस वक्त तक रंगो बू की इस दुनिया से रिश्ता मुनकत नहीं कर सकता जब तक वो मकाफात अमल का कफारा अदा नहीं कर देता। क्या कोई बंदा ये कह सकता है कि खयानत और बददियानती से उसकी मुसर्रत में इजाफा हुआ है? क्या कोई आदमी मुतअफ्फन और सड़ी हुई गिजा खाने के बाद बीमारियों और परेशानियों और बेचैनियों से महफूज रह सकता है? क्या सियाकाराना जिंदगी में रहते हुए इरादों में कामयाबी मुमकिन है? ऐसी कामयाबी जिस कामयाबी को हकीकी कामयाबी और मुस्तकिल कामयाबी कहा जा सके। जाहिर है कि इन तमाम सवालात का जवाब ये है कि बुरे काम का नतीजा बुरा मरतब होता है,
और अच्छे काम का नतीजा अच्छाई में जाहिर होता है। इस उसूल को लामहाला तस्लीम करना पड़ेगा कि इंसानी फलाह खैर में है और शर का नतीजा हमेशा तबाही की सूरत में सामने आया है। यही कानून इज्तिमाई जिंदगी का है। इज्तिमाई तौर पर अगर कोई माशरा सियाकाराना जिंदगी में मुब्तला हो जाए तो उसका नतीजा भी इज्तिमाई तबाही मरतब होगा। ये बात कौन नहीं जानता कि मुसलमान मनहसिल कौम अदबार ज़दा कौम जिंदगी गुजार रहा है। इस कौम इसकी हुकूमत एक आलम को मुहित थी, आज ये इन लोगों का मोहताज करम है जो उसकी किफालत में जिंदगी गुजारते थे। आसमानी सहानिफ और तमाम अल्लाह के फरिश्तादा पैगम्बरों ने नूए इंसानी को यही पैगाम दिया है कि रासबाजी दयानत और हकीकत पसंदी इंसानी जिंदगी की मेराज है। जब किसी कौम को ये मेराज हासिल हो जाती है तो उसको सुकून कल्ब मिल जाता है। सुकून कल्ब एक ऐसी कैफियत है जिसकी मौजूदगी में इंसान के अंदर सोए हुए 2 खरब खलिये बेदार हो जाते हैं, और वो कौम जिसके अंदर सोए हुए खलिये जिस मुनासबत से बेदार होते हैं उसी मुनासबत से उसके अंदर नित नई ऐजादात की सलाहियतें काम करने लगती हैं। ये सलाहियतें क्या हैं? ये सलाहियतें अल्लाह ताला की सिफात हैं, ऐसी सिफात जिनके अंदर ये पैगाम छुपा हुआ है कि इंसान जमीन और आसमान और पूरी कायनात का हाकिम है। अल्लाह ताला का कानून सच्चा है, बरहक है। जो कौमें अल्लाह ताला की दी हुई सिफात यानी इंसानी सलाहियतें अपने अंदर बेदार कर लेती हैं, वो जमीन पर हुक्मरानी करती हैं। और जो कौम इन सलाहियतों से काम नहीं लेती वो महकूम और गुलाम बन जाती हैं। आज का दौर एक कौम के लिए महकूमियत और तौके गुलामी का दौर है। अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक जो कौम जिंदा है और उसके खून में जिंदगी रवा दवा है, और जो कौम जमीन पर फैलाए हुए अल्लाह ताला के वसाइल को इस्तेमाल करने की जद्दोजहद में मशगूल है वो हाकिम है, और दूसरी कौम के लिए जिसमें इंतशार है, इख्तलाफ है, बेयकीनी है और अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों की नाशुक्री है, वो महरूम और अदबार ज़दा है। आइए हम अपने गिरेबानों में झांकें और अपनी जिंदगी का तजिया करें कि हमारा शुमार हाकिम कौम में है या हमारा मकदूर महरूमियत बन गया है। पैगंबर के नकूशे कदम। कुरानी तालीमात की रोशनी में जब हम तफक्कर करते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह सामने आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा के बगैर जिंदगी के नक्शे को सही तरतीब नहीं दिया जा सकता। हर मुसलमान सही खतूत पर अपनी जिंदगी को उस वक्त तरतीब दे सकता है जब कुरान हकीम के बयान करता मतालिब और मफहूम को समझकर अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अपनी अमली जिंदगी में समोले। कुरान हकीम ने अताअत रसूल और अताअत अल्लाह के लिए 2 अंदाज इख्तियार किए हैं। खुदा ने अपनी अताअत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को भी जरूरी ठहराया है, और कहीं सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और पैरवी ही का जिक्र किया है। आइए उन आयात का मुताला करें जिनकी रूह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की अताअत जरूरी है। कह दो कि खुदा और उसके रसूल का हुक्म मानो, अगर ना माने तो खुदा भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। सूरह आले इमरान। मोमिनो, खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, और अगर किसी बात में इख्तिलाफ पैदा हो तो अगर खुदा और आखरत पर ईमान रखते हो तो उसमें खुदा और उसके रसूल और अपने औली अल अमर के हुक्म की तरफ रुजू करो। सूरह निसा। ईमानदारों, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और उससे रूगर्दानी ना करो, और तुम सुन रहे हो। सूरह अनफाल। और खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा ना करो, ऐसा करोगे तो बुजदिल हो जाओगे। सूरह अनफाल। मोमिनो, खुदा का इरशाद मानो और पैगंबर की फरमाबरदारी करो और अपने आमाल को जाया ना होने दो। सूरह मोहम्मद। और खुदा और उसके पैगंबर की फरमाबरदारी करते रहो
और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे बाखबर है। मुजादिला, और खुदा की अतात करो और उसके रसूल की अतात करो। अगर तुम मुंह फेर लोगे तो हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल खोल कर पहुंचा देना है। तगाबुन, ये वो आयात मुबारका हैं जिनमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को एक साथ बयान किया गया है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को यकसा जरूरी करार दिया गया है। यानी जिस तरह खालिक कायनात अल्लाह की अतात जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह के फरिश्ते बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात जरूरी है। आइए अब इन आयात का मुताला करते हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को दीन की असास और बुनियाद करार दिया गया है। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा तो बेशक उसने अल्लाह की पैरवी की। सूरह निसा, और हमने जो भेजा है इसलिए भेजा है कि खुदा के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। सूरह निसा, लोगों से कह दीजिए अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, खुदा तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। सूरह आले इमरान, तो जो लोग आपके हुक्म की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा ना हो उन पर कोई आफत आन पड़े या तकलीफ वाला अजाब नाजिल हो। सूरह नूर, आपके परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाज़ात में आपको मुनसिफ ना बनाएंगे और जो फैसला आप कर दें उससे अपने दिल में तंग ना हो बल्कि उसको खुशी से तस्लीम कर लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। सूरह निसा, आयात मस्कूरा से जो नुकात और मफहूम वाज़े होते हैं वो ये हैं। अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती के लिए अहम असास है कि इससे इनकार कुफर के बराबर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात रहमत इलाही का जरिया है। किसी भी मसले में इख्तिलाफ राय की सूरत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला ही आखिरी फैसला करार दिया जा सकता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के तकाजे उसी वक्त पूरे हो सकते हैं जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को हिफ्ज़े जा बना लिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात अल्लाह खुदावंद कुद्दूस की अतात है। हर पैगंबर इसलिए मबूस हुआ है कि लोग उसके नक्शे कदम पर चले। मोहब्बत इलाही सिर्फ उसी सूरत में हासिल हो सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। जो लोग आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की मुखालफत में सरगर्म हैं, उनको अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। ईमान उस वक्त तक तकमील पजीर नहीं होता जब तक आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम अवामिर को पूरे अखलास से तस्लीम न किया जाए। नेकी क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे जहानों का परवरिश करने वाला, सबकी जरूरियात का कफील और सबका निगेबान। चुनाचे जब हम इंसानों से भलाई से पेश आते हैं, उनकी मदद करते हैं तो अल्लाह ताला की खुशनुदी के मुस्तहिक ठहरते हैं। कुरान पाक ने हम पर हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक तो पूरा करना लाजिम और मर्जूम कर दिया है और उसकी ताकीद बहुत की है। हुकूकुल इबाद की अदायगी रिश्तेदारों से शुरू होती है जिनमें वालिदैन सबसे पहले मुस्तहिक हैं। माँ बाप की खिदमत और उनकी अतात अव्वलीन फरीजा है। अहलो अयाल के लिए हलाल रिस्क का हुसूल और बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत भी हुकूकुल इबाद में से हैं। उसके बाद दूसरे रिश्तेदारों और पड़ोसी का नंबर आता है। आखिर में तमाम इंसान हुकूकुल इबाद के दायरे कार में आते हैं। हुकूकुल इबाद में माली हक भी है और इखलाकी हक भी। कुरान पाक ने जा बजा इसकी हुदूद बयान की है और इसको ईमान का जुजू करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, नेकी ये नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ कर लो, लेकिन नेकी ये है कि कोई शख्स ईमान लाए अल्लाह पर और कयामत के दिन पर
और फरिश्तों पर और आसमान किताबों पर और नबियों पर और माल देता हो अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों को और यतीमों को और मिसकीनों को और मुसाफिरों को और सवाल करने वालों को और गर्दन छुड़ाने में। सूरह बकरा। अगर हम इस पोजीशन में ना हो कि माली लिहाज से किसी की मदद कर सकें, तो खिदमत के और भी जराए हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है, हम इन उनको लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दीन का बुनियादी जज्बा खैर ख्वाही है, चुनाचे अगर हम किसी के लिए अच्छाई नहीं कर सकते तो उसके लिए बुराई के मुर्तकिब भी ना हो। खैर ख्वाही के लिए महज माली हालत का अच्छा होना जरूरी नहीं है। लोगों से खुश अखलाकी से पेश आना, सलाम में पहल करना, किसी की गीबत ना करना और ना सुनना, अल्लाह की मखलूक से हुस्ने ज़न रखना, लोगों के छोटे मोटे काम कर देना, किसी ज़ईफ़ या बीमार को सड़क पार करा देना, बीमार की मिजाज पुरसी करना, सड़क पर पड़े हुए पत्थर या कांटों को राह से हटा देना हुकूकुल इबाद के जमरे में आते हैं। जिद्दी लोग। हजरत सैयदुल बशर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कायनात में घड़ी भर का तफक्कुर साल भर की इबादत से बेहतर है। जिन कौमों ने कायनात के अज्जाए तरकीबी यानी अफराद कायनात की तख्लीक पर गौर किया वो सरफराज हुई, और जिस कौम ने कायनाती तफक्कुर से अपना रिश्ता मुनक़त किया वो अक्वाम आलम में मुर्दा कौम बन गई। तख्लीकी कायनात पर गौर व फिक्र की अहमियत का वाज़ेह अंदाजा इस बात से होता है कि कुरान ने नूए इंसानी को इस तरफ बतौर खास मुतवज्जह किया है। अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन में जो कुछ पैदा किया है वो महज दिखावे के लिए पैदा नहीं किया। कायनात का एक एक जर्रा किसी न किसी मसलहत और हिकमत खुदावंदी का करिश्मा है। कुरान पाक में 726 जगह नूए इंसानी के बालिग और बाशऊर अफराद को मुतालिक कायनात की तरगीब दी गई है। अलमिया ये है कि हमने सिर्फ तौहीद की इकरार, सोमो सलात, जकात और हज वगैरह के मामलात और मसाइल को सामने रख कर किताब मुबीन में मौजूद दूसरे अहकामात पर तवज्जो देने की जहमत गवारा नहीं की, और हादिये बरहक बाईस तख्लीक कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल मुबारक कायनात में एक लम्हे के बराबर तफक्कुर साल भर की इबादत से बेहतर है पर हम गौर व फिक्र नहीं करते। सूरह बकरा में इरशाद रब्बानी है, अर्ज़ो समा की तख्लीक, इख्तिलाफ़े लेलो नहार, समंदर में तैरने वाली कश्तियों और इस घटा में जो जमीन और आसमान के दरमियान फैमाजन है, अरबाब अक्लो दानिश के लिए निशानियां मौजूद हैं। सूरह आले इमरान में है, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और दिन रात की तब्दीलियों में अकलमंदों के लिए निशानियां हैं, जो हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और जमीन की कोख से जन्म लेने वाली नई नई मौजूदात पर गौर व फिक्र करते हैं। ऐ रब, तूने ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया, तू पाक है, हमें ऐसी जिंदगी से महफूज कर दे जिस जिंदगी के ऊपर खौफ और हिजन व मलाल मुहित है। सूरह रोम में रब्बे जुलजलाल यू गोया है, जमीन व आसमान की पैदाइश और चौपायों की अफजाइश नस्ल और तुम्हारी जबानों और रंगों के अख्तलाफ में अल्लाह ताला की तमाम निशानियां मौजूद हैं। सूरह यूसुफ में तंबीह के लहजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, अर्जो समा में कितनी ही ऐसी निशानियां हैं जिनसे गाफिल लोग मुंह फेर कर गुजर जाते हैं, और इन मुंह फेरने वालों को सूरह सबा में ये वईद की जा रही है, क्या ये लोग अपने आगे पीछे जमीनों आसमान के जाहिर बातिन आयाओ नहा मख्फी और मुशाहिदाती मौजजात पर गौर नहीं करते? अगर हम चाहें तो इन्हें इसी जमीन में बेवन कर दें या आसमान को इनके सरों पर गिरा दें। हमारी इस तंबी से सिर्फ खुदा शनास लोग ही फायदा उठाते हैं। सूरह आराफ में जरा और ज्यादा तंबी की जा रही है, क्या इन लोगों ने आसमान और जमीन के इंतजाम पर कभी गौर नहीं किया और किसी चीज को भी जो खुदा ने पैदा की है आंखें खोलकर नहीं देखा? और क्या ये भी इन्होंने नहीं सोचा
कि शायद इनको जिंदा रहने की जो मोहलत दी गई है उसके पूरे होने का वक्त करीब आ गया है। हम रात दिन ढोल पीटते हैं कि हम मुसलमान हैं, जन्नत हमारी मीरास है, अल्लाह ताला की रहमतों और इनायतों की हमारे ऊपर सवाब की शक्ल में बारिश बरसती रहती है और सवाब से हमारे खजाने भरे हुए हैं, जबकि मिन हैसुल कौम हम तही दस्त हैं। हम कहते हैं कि हमारा ईमान कुरान पर है, मगर हम ये कभी नहीं सोचते कि कुरान के नजदीक ईमान की कसौटी क्या है। कुरान कहता है, जमीन व आसमान में अहले ईमान के लिए हकायक व बसायर मौजूद हैं। यानी अहले ईमान की खसूसियत ये है कि जमीन व आसमान की हकीकतों और जमीन व आसमान के अंदर मौजूद तखलीकात के फार्मूलों पर उनकी नजर गहरी होती है। इनके अंदर मुशाहदे की कहकशानी निजामों की नकाब कुशाई करती है। कुरान बार बार ये ऐलान करता है कि ये निशानियां ईमान वालों के लिए हैं। मफहूम ये है कि निशानियां तो सबके लिए हैं, मगर इंसानों में सिर्फ ईमान वाले लोग ही अल्लाह ताला की निशानियों, आयतों और हिकमतों पर गौर करते हैं। गफलत और जहालत में डूबे हुए लोग जो जानवरों की तरह जीते हैं, जिद्दी और हर धर्म लोग जो मैं ना मानू की तरह जिंदा मुतहरिक तस्वीर है, उनके लिए अल्लाह की निशानियों का होना या ना होना बराबर है। एक आदमी जो अंधा है, चमन के अंदर खिले हुए दाग दाग फूलों और रंग रंग दिल फरेब मनाज़िर से लुत्फ अंदोज नहीं होता, इसी तरह बसारत और ईमान की रोशनी से महरूम लोग कुदरत के मनाज़िर का इदराक नहीं कर सकते। कुरान बरमला ऐलान करता है, वो कहते हैं हम मुसलमान हुए, मगर अभी उनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। सईद रूहें, बुराइयों को मिटाने की जद्दोजहद और भलाइयों की तरगीब ही वो अमल है जो हमारे वजूद का जामिन है। इसमें कोताही का नतीजा तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो सारे इंसानों के लिए वजूद में लाई गई है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और खुदा पर कामिल ईमान रखते हो। सूरह आले इमरान। लेकिन इसके साथ साथ इस बात पर भी गौर करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिस गलत रविश से लोगों को बचने की तलकीन कर रहे हैं और उसके बुरे नतायज से उन्हें खबरदार कर रहे हैं, हम खुद दानिस्तन या नादानिस्ता तौर पर उसी राह पर चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस तर्ज अमल की निशानदेही इस तरह की है कि क्या तुम लोगों को नेकी की तलकीन करते हो और खुद भूल जाते हो। सूरह बकरा। तुम वो बात क्यों नहीं कहते हो जो करते नहीं हो। सूरह सफ। अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत देने में हमारी बात में उसी वक्त तासुर पैदा होगा जब हम खुद इस दावत और तालीम का नमूना हो और हमारा राब्ता अल्लाह के साथ वैसा ही जो एक हकीकी बंदे का अपने रब से होता है। अल्लाह ताला ने इस रबत के हुसूल का तरीका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को ये बताया है। तर्जुमा, ऐ चादर में लिपटने वाले, रात में क्याम कीजिए मगर कुछ रात, आधी रात या उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़िए। हम जल्द आप पर एक भारी फरमान डालने वाले हैं। सूरह मुजम्मिल। क़याम का मतलब ये है कि बंदा अपने रब की कुर्बत पर कायम होकर उससे ऐसा रबत पैदा करे कि उसकी जिंदगी का हर अमल अल्लाह की जात से वाबस्ता हो जाए और वो अल्लाह ताला को पहचान ले। जब बंदा अपने रब से हकीकी ताल्लुक को कायम कर लेता है तो वह गम और खौफ से निजात हासिल करके सुकून और इत्मीनान की तस्वीर बन जाता है। अब जब वो कोई बात कहता है और किसी बात की दावत देता है तो बाज़मीर लोग और सईद रूहें उसकी आवाज पर लब्बैक कहती हैं। तौफीक। क़यामत में खुदा फरमाएगा, वो लोग कहाँ हैं जो मेरे लिए लोगों से मोहब्बत किया करते थे, आज मैं उनको अपने साए में जगह दूंगा। क़यामत के दिन ऐसे लोगों को जो काबिले रश्क शान और शौकत हासिल होगी, उनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुदा के बंदों में कुछ ऐसे हैं जो नबी और शहीद तो नहीं हैं,
लेकिन कयामत के रोज खुदा उनको ऐसे रुतबों पर सरफराज फरमाएगा कि अंबिया और शहदा भी उनके मर्तबों पर रश करेंगे। सहाबा ने पूछा, वो कौन खुश नसीब होंगे या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से महज खुदा के लिए मोहब्बत करते थे, ना ये आपस में रिश्तेदार थे और ना इनके दरमियान कोई लेन देन था। खुदा की कसम, कयामत के रोज उनके चेहरे नूर से जगमगा रहे होंगे। जब सारे लोग खौफ से कांप रहे होंगे तो इन्हें कोई खौफ ना होगा, और जब सारे लोग गम में मुब्तला होंगे उस वक्त उन्हें कतन कोई गम नहीं होगा। और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत तिलावत फरमाई, सुनो, अल्लाह के चाहने वालों के लिए ना किसी बात का खौफ होगा और ना किसी किस्म का गम। दोस्ती के इंतखाब में इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिन लोगों से आप कल्बी ताल्लुक बढ़ा रहे हैं उनकी अखलाकी हालत कैसी है। दोस्तों की सोहबत में बैठकर वही रुझानात और ख्यालात पैदा होते हैं जो दोस्तों में काम कर रहे हैं। लिहाजा कल्बी लगाव उसी से बढ़ाना चाहिए कि जिसका जौक, अफकार ख्यालात और दो धूप उस वह हुस्ना के मुताबिक हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त और मावन हैं। दोस्तों पर एतमाद कीजिए, उन्हें अफसरदा ना कीजिए, उनके दरमियान हशाश बशाश रहिए। दोस्ती की बुनियाद खुलूस, मोहब्बत और रजाए इलाही पर होनी चाहिए, ना कि जाती अगराज पर। ऐसा रवैया अपनाइए कि दोस्त अहबाब आपके पास बैठकर मुसर्रत जिंदगी और कशिश महसूस करें। सूरज की रोशनी, इंसान हमेशा ये दावा करता चला आया है कि वो जो कुछ कमाता है वो सब उसकी सलाहियतों का नतीजा है, इसके दोरे बाजू का समरा है। चुनाचा वो अपनी दौलत का पूरी तरह मालिक व मुख्तार है, जिस तरह चाहे खर्च करे किसी को हक नहीं कि वो उससे बासपूस कर सके। कुरान पाक ने कारून को इस सरमाया दाराना और इबलीसाना तर्ज फिक्र के नुमाइंदे की हैसियत से पेश किया है। इस गुरु का सरगना कारून जो कुछ कहता था कुरान उन अल्फाज में बयान करता है, मैंने जो कुछ कमाया है अपनी हुनरमंदी से कमाया है। कसस, माशर्ती और इंफरादी सतह पर इस तर्ज फिक्र की कार फरमाई की बुनियादी वजह इंसान के अंदर सरमाया परस्ती का जहन है। आदमी हमेशा से मालो दौलत का भूखा और आसाइशों का तलबगार रहा है। दौलत समेटने की धुन हमेशा उसके ऊपर सवार रहती है। आदम की औलाद ने हर जायज और नाजायज तरीके से दौलत इकट्ठा करने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। वो शऊर की हालत में दाखिल होने से कब्र का मुंह देखने तक दौलत इकट्ठा करने की दौड़ में बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। तुम्हें एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की ख्वाहिश ने गफलत में रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। इनफरादी हुदूद में दौलत परस्ती की बीमारी आदमी की अना और उसकी जात से घुन बनकर चिपक जाती है। इसकी इंसानी सिफात को चाटती रहती है और खालिक की अता की हुई सलाहियतों को जंग आलूद कर देती है। आदमी के बातिन में एक शैतानी वजूद परवरिश पाने लगता है जो लम्हा बा लम्हा बड़ा होकर उसकी जात को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आदमी की बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतें दौलत की हिफाजत में सर्फ हो जाती हैं। किताब तजल्लियात का पार्ट 6 सफा नंबर 100 पर अख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब पार्ट नंबर 7 में सफा नंबर 100 से समाप्त फरमाइए।